नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जम्मू के रामबन जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर के एक होटल में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल। संगरूर के गांव हेडीके में हुआ गुंडागर्दी का नंगा नाच, घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, 2 की मौत, 3 गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। जम्मू के रामबन जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर में एक होटल में भीषण आग लग गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आगजनी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके चलते सभी घायलों को बाटोत के सब सेंटर में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वही घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। जम्मू के रामबन जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। मां शांति होटल में आग लगने की घटना जो है वो सामने आ रही है। लगातार स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद समाचार ये है कि इस पूरी आगजनी घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और दोनों होटल के एम्प्लॉय बताए जा रहे हैं। लगातार आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लोग इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बटोत के सब सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज वहां पे चल रहा है। आपको बता दें कि पूरा ये मामला शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से ये पूरे होटल को आग लगी है। और आपको बता दें कि पहाड़ों में जो होटल होते हैं वो वुडन के बने होते हैं, यानी कि लकड़ी के होटल्स बने होते हैं। संगरूर जिले के शेरपुर इलाके के गांव हेडीके में गत दिवस गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। मिली जानकारी के मुताबिक 4 गाड़ियों में दर्जन भर से अधिक हमलावरों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने तेज धार हथियारों और गोलियां चलाकर भयानक तरीके से परिवार पर हमला किया, जिस कारण पारिवारिक सदस्य घायल हो गए। इस दौरान रिंकू नामक नौजवान की सिर में गोली लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नौजवान की पटियाला के सरकारी अस्पताल में जाकर मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को उपचार हेतु संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं हमलावरों की ओर से हमला करने के बाद बाहर निकलकर सभी पड़ोसियों को धमकाया भी गया और कहा गया कि अगर कोई इस परिवार की सहायता करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि एक परिवार पर हमला किया गया है, जिसमें 3 नौजवानों और एक नौजवान की माता और बहन पर यह हमला किया गया है। उनकी तरफ से हर पहलू से जांच की जा रही है और अलग अलग टीमें बनाकर हमलावरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही हमलावरों को काबू कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये हेड़ीके पिंड है जी, कल की घटना है जी। तो कल ये अपना पिंड दे विचों निकल के आए ने, है ना, मुखबरी हुई है इन्हों, तो जाके इन्होंने गेट तोड़ के अंदर वड़े ने। सारे ने इन्होंने जाके अंदर जाके कुटमार करी है, तो इन्होंने मारे भी सट्टा मारिया ने। 3 मुंडे ने 2 दे कतल भी हो गए। उस तो बाद जो बाहर निकल के आने कतल करने बाद शरेआम कह के गए ने पिंड दे विच भी, जिहड़ा कोई भोगते जाऊगा उन्होंने भी मारांगे, तो जिहड़ा कोई इन्हां दी सपोर्ट करूगा उन्होंने भी मारांगे। जे सरकार आई हत्थां ते हत्थ धर के बैठी रही, ऐं तां कम चलदा नहीं हैगा। बाई जी, कल हेड़ीके पिंड घटना वापरी आई। साडा मित्र सीगा जी, भरा साडा, उहदे घरें वड़ के जी 15-20 ने 4 गड्डियां दे विच आए जी। 2 बंदिआं दा मर्डर होया जी, उहदी मां दे उहदी भैण दे सिर 'च सट्टां मारे जी, गोलियां मार के पूरे घर नूं तोड़ फोड़ करन गए जी। बाहर तोड़ के अंदर वड़े ने जी, उह सारिआं दे सट्टां मार के गए ने जी। पुलिस कोई कारवाई नहीं कर रही। तुसीं ऐं देख लो, दिन भर दिन किन्ने ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇੜੀਕੇ ਪਿੰਡ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਰਿੰਕੂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। 1 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ।
ਉਹਦੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨਦੀਪ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में 25 अप्रैल को देहांत हो गया था। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास गांव बादल में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने वैरागमयी कीर्तन कर स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं द्वारा शिरकत कर सुखबीर सिंह बादल के साथ दुख साझा किया गया। इस मौके पर डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर ढिल्लो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम अरदास में शामिल हुए। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सोम प्रकाश, नरेश गुजराल, ओम प्रकाश चौटाला, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाचरा, अजीत समाचार पत्र समूह के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, भाजपा जनरल सचिव तरुण चुग के अलावा राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि भेंट की। जालंधर के रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी विशेष रूप से शामिल हुई और भाजपा के हक में प्रचार किया। इस मौके पर पूर्व विधायक केडी भंडारी, पानीपत मेयर अवनीत कौर, अश्विनी भंडारी, अमन जस्सी, जतेंद्र जींद, सोनू भगत, आरती राजपूत, अशोक जस्सी, संदीप सिपा, राजकुमार सोनू जस्सी, रमेश भगत, सतपाल सोडी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। नगर निगम कपूरथला की कमिश्नर अनुपमा कलेर ने सरकार के आदेशों की पालना करते हुए आवारा घूम रहे 5 पशुओं को पकड़कर फरीदकोट गौशाला के लिए भेजा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन पशुओं को सही ढंग से भेजा जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकमल ने शहरवासियों से अपील की कि जो पशु घरेलू हैं लोग उनका दूध निकालकर उन्हें बाहर छोड़ देते हैं, उन्हें बाहर ना छोड़ें क्योंकि इससे यातायात में अवरुद्ध पैदा होता है और एक्सीडेंट होने से जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि 5 पशुओं की टैगिंग कर संत महेश मुनि जी की गौशाला फरीदकोट में भेजा गया है। शहर वासियों लिए बड़ी खुशी की खबर है कि जिहड़े आवारा पशु सड़कां ते घूमते फिरते सीगे, जिन्हां करके बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह भी होंदे सीगे और पशुओं नूं भी जान तो खतरा होंदा सीगा, उस करके पिछले दिनों च हाउस दे विच असी एक मता पास करवाया सीगा जिहदे तहत जिहड़ी गऊशाला हैगी आ फरीदकोट विखे गऊशाला संत महेश मुनि जी, उन्हां दे नाल असी एक MOU साइन किया जिहदे तहत जिन्ने आवारा पशु हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਾਵਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਮੇ ਉਨ 4 ਛਾਤਰਾਓਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਛਾਤਰਾਓਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਕੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾਓਂ ਮੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤਰਾਓਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਸੇ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਨਹਾਰ ਛਾਤਰਾਓਂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਕੋ ਉੱਚਾ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 600 ਮੇ ਸੇ 592 ਅੰਕ ਲੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ 8ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਛਾਤਰਾਓਂ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਦਨਾ ਕੌਰ, ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਏ। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के अभिभावकों और अध्यापकों को भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उप जिला शिक्षा अधिकारी अंग्रेज सिंह के अलावा अध्यापक और विद्यार्थियों के पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। क्लास दे विच जिहड़े बच्चे मैरिट दे विच आए हन, उन्हां नाल अज इंटरैक्शन कीता गया। मैनूं बहुत ही खुशी है कि 4 बच्चियां संगरूर दियां, उन्हां दी डिस्ट्रिक्ट रैंक 2, 3, 4 ते 16 आई है ते स्टेट रैंक 8 ते 13 हैगी। ते मैनूं बहुत ही माण महसूस हुंदा है कि कहिंदे होए कि संगरूर ज़िले चों जिहड़े बच्चे ने खासकर कुड़ियां वो पढ़ाई दे विच काफ़ी अगे आ रही हैं। अज मैं इंटरैक्शन किया, उन्हां नाल गलबात की कि वो फ्यूचर च की बनना चाहते हैं। तो बच्चों ने दस्सिया कि एक डॉक्टर बनना चाहती है, एक टीचर बनना चाहती है, एक प्रोफेसर बनना चाहती है, तो एक कुड़ी UPSC देकर IAS बनना चाहती है। ये जिहड़े सुपने ने इहदे बारे ज़िला प्रशासन वल्लों बच्चों के पूरे सपने पूरे करने वास्ते
असं इन्हों हर संभव मदद देवे पंजाब सरकार वालों जिड़िया भी स्कीम चलाई जा रही हैं इन्हों हर सहयोग दिता जाएगा। तो मैं आस करदा तो अरदास करदा कि ये बच्चों के सपने ते बाकी जोड़े बच्चे है कि जो चाहते हैं भविष्य के एक करियर अचीव करना वो ना मिले। लहरा गागा में मूनक छप्पड़ संघर्ष कमेटी की ओर से बीकेयू एकता के सहयोग से 11 दिन से छप्पड़ की सफाई को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान नेता रिंकू सैनी ने बताया कि प्रशासन के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई पक्का विश्वास नहीं मिला, जिसके चलते शहर को पूर्ण तौर पर बंद करवाकर बैरियर चौक पर सड़क जाम कर धरना दिया गया है। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम सुबा सिंह मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों को विश्वास दिलाया कि छप्पड़ की सफाई संबंधी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 जून को छप्पड़ की सफाई का काम शुरू करने का आश्वासन देने के उपरांत यह धरना समाप्त किया गया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जेड़ा है 10-11 दिनों तो लगातार धरना चलता है, शांतिपूर्वक धरना चलता रहा दफ्तर पूरे, असी समा दिता है। साडी जथेबंदी कदे भी काली नहीं करती क्योंकि भी प्रशासन सरकार ये गल च ना जा रहे भी तुम सू समा नहीं दिता, इस करके जो किसी ने गल नहीं सुनी एस टी एम साहब चलाकी खेडी गया। पहला भी बहुत बड़ी मीटिंग पछमाशघात हुए ने, इस करके हूँ असं मिस के हाथ पाया इस भी जोड़ा छप्पड़ है लोगों बहुत परेशानी कर रखी है, शहर निवासियों बड़ी परेशानी है, पर इस तकलीफ ने सारे लोग शहर वासी सारा बाजार बंद पे है, ये लोगों का असं बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। शहर के छप्पड़ है साफ सफाई करवाई जाए, दो इशू से या दो दिक्कत सीगिया सारिया शहर वासियों को, एक तो जिहड़ा मक्खी मच्छर साफ सफाई हैल्थ पक्षों जिहड़ा इशू है, दूजा जदों बारिशा होंदिया ने तो उदों पानी इहदा ओवरफ्लो होके तुहाडे गलियां च तुहाडे घरां च भी आउंदा जिहदे करके दिक्कतां दा सामना करना पैंदा। तुहाडी जिहड़ी ठीक है मैं उहदे च बैकग्राउंड च नहीं जाऊँगा, पिछले बहुत सालों तो इहदी जिहड़ी सफाई नहीं हुई किस कारण करके नहीं हुई क्यों नहीं हुई, पर जदों साडे ध्यान च लिया गया प्रशासन के ध्यान च लिया उदों असीं इहनूं पहल के आधार पर, मैं तुहाडी जथेबंदी नूं भी पहला 2-3 मीटिंगां इहनां नाल हो चुकिया ने साडियां, मैं सारा उहनां नूं दस चुकी हाँ। माणयोग अदालत वालों कोई स्टे सीगा, असीं पहला उह अपना म्यूनसिपल कमेटी नूं कह के अदालत दे विच अर्जी लगवा के रिक्वेस्ट दे के स्टे वकेट कराई सी, स्टे जिहड़ी आपां जिहनूं कहिंदे आ कि स्टे खाली कराई सी, पहलां भी सुणदे रहे असीं सारी गल, अग्गे तो भी सुणदे रहांगे। बिल्कुल ये बेविश्वासी वाली गल दिमाग तों कढ दिओ, वैसे है नहीं तुहाडे, मैनूं पता तुसीं सारे समझदार हो, पर बिल्कुल भी ये नहीं सोच के चलना कि प्रशासन कोई गल ते ध्यान नहीं दिंदा। मां बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान लवली रलहन से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने के बावजूद भी परमात्मा एक ही है, ईश्वर निराकार है, सभी जगह समान रूप से विद्यमान है, स्थिर है, एक रस है। तो वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर संपूर्ण प्रकृति में इस प्रकार समाया हुआ है जैसे कि पत्थर में अग्नि, ये दिखाई नहीं देती है। इस दौरान नवजीत भारद्वाज ने मां बंगलामुखी जयंती महोत्सव पर सभी सेवादारों, न्यूज कवरेज के लिए समाचार पत्रों एवं वेब पोर्टल को धन्यवाद व बधाई दी और मां बंगलामुखी जी से ऐसे ही असीम कृपा दृष्टि की कामना की। तो वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, पंकज उपाध्याय, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, विवेक शर्मा, नीरज, समीर चोपड़ा, रिंकू सैनी, अमित, रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मुकेश चौधरी, अभिलक्ष्य चुंग,
अशोक शर्मा, गुलशन शर्मा, संजीव राजेश महाजन, प्रदीप, गीतेश, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, दिनेश चौधरी, पंकज, डॉक्टर मुकेश, दीपक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। एडवोकेट कमल राज सचदेवा, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं रस्म उठाला गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में की गई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कमल राज सचदेवा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, गुरजीत सिंह राणा, मनोरंजन कालिया, राजेंद्र बेरी, राजेश विज, विजय खुल्लर, बलराज ठाकुर, जय किशन सैनी, अनिल चोपड़ा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय एडवोकेट कमल राज सचदेवा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बेशक संसार सागर मैंने रचाया है, धर्म के लिए तैरने के लिए धर्म का एक बेड़ा भी बनाया है, ऋषि और मुनियों ने तैरने का तरीका भी सिखाया है, पर तैरना मुश्किल, डूबना आसान। नादान सुनो करता हूँ शंका का समाधान, दीपक की रोशनी में बैठा कोई वेद पढ़ रहा और उसी रोशनी में बैठा कोई जुआ खेल रहा। दीपक नंगे जिम्मेदार पाप निकाह, मैं निगाह हूं बंदा खुद है निगाहवान। नादान सुनो करता हूँ शंका का समाधान, इस रोशनी के सामने तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मैं कब कहता हूँ तुम निर्दोषों को मारो, कपड़े समझ के दाई की तुम खाल उतारो, क्या पुण्य है क्या पाप है ये तुम खुद विचारो, आज अपने आप में आजाद है इंसान। हॉल में उपस्थित देवियों सज्जनों, मेरे लिए आज कुछ बोलना अत्यंत कठिन है। जिसका भाई चला जाए, जिसका मार्गदर्शक चला जाए, जिसके साथ जीवन के 52 साल एक साथ गुजारे हों और पिता के चले जाने के बाद केवल एक व्यक्ति जो मशवरा दे सकता था, जो सहायता कर सकता था, जब वो चला जाए तो उस वक्त बोलना कितना कठिन होता है। मौत क्या है? नियसा का परीक्षा, अग्नि मिट्टी जल आकाश पंच तत्व, तरतीब चाहते इंसान जन्म लेगा, उसकी तरतीब बिगड़नी है उसके लिए मौत कहते हैं। जन्म मौत इंसान के हाथ से, इंसान के हाथ से इस धरती से आके कहो जो एक कर्म कर जाता है, कहो जो कुछ मुखला जाता है, यही उसको जान तो मन जिंदा रखती है। साढ़े दरम्यान कमल सचदेवा जी रहे, लेकिन उन्होंने किए हुए कमां की खुशबू आज विद्यमान है। वृंदा जी ने सारिया गलों का जिक्र किया, मैं इसको संक्षिप्त कर दिया है कि उन्होंने प्यार ही पाया, प्यार ही बनया। सचदेवा साहब जी, मैं बच्चे अंदर से मेरे को वड्डे सी, मैं अपने आप को खुश नसीब समझदा कि मैनू सचदेवा साहब के नाल काम करन का मौका मिला। काम करन का मौका बहुत सारे इंसानों ने मिलता और सचदेवा साहब एक सच्चे इंसान से, इरादे दे पक्के से, धोखा उन्होंने जिंदगी किसी को नहीं दिता, सलाह माड़ी कदे किसी को नहीं दिती, और जिस बंदे ने मोहब्बत पाई वो दिलों पाई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
जम्मू के रामबन जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सनासर के एक होटल में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल। संगरूर के गांव हेडीके में हुआ गुंडागर्दी का नंगा नाच, घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, 2 की मौत, 3 गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।